देखिए, कल छठे चरण के चुनाव है और मुझे लगता है कि कल ही हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में आ जाएंगे, कल के मतदान के बाद। सातवें आठवें में हमारी सीट 200 तक पहुंचेगी, तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम 100% सरकार बनाएंगे। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के प्रचार बंद करने से और प्रचार करने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस है ही नहीं वहाँ। सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है, मालदा में और मुर्शिदाबाद, उसके अलावा कांग्रेस ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए, वहाँ लोग ही नहीं आए, उनका काम खत्म हो गया। राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूँगा, तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले, ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था, दो जिले में कांग्रेस ने, वहाँ दो जिलों में सभा कर दी, उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था। है जी, झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। इस कोविड की चेन को तोड़ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जनता कर्फ्यू जरूर लगा है, पर आप लोगों को कर्फ्यू दिखाई देता है? नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार शक्ति करे, पुलिस शक्ति करे, उसके पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता हम सबको करना चाहिए, शहरवासियों को करना चाहिए। इस शहर ने सारे देश को प्रेरणा दी। यह वो शहर है जो लगातार सफाई के क्षेत्र में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार पांच पांच बार लगातार आया है। वो इसलिए कि जनता ने, मैं इसका श्रेय नगर निगम को नहीं देता, मैं इसका श्रेय इंदौर की जनता को देता हूँ। इस कोविड की लड़ाई का श्रेय भी जीतने का अगर किसी को जाएगा तो इंदौर शहर की जनता को जाएगा। इसलिए आत्मनियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो तो घर के बाहर निकलें। जनता कर्फ्यू अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पुलिस अगर डंडा लेके खड़े रहे और हम घर में बैठे रहें, घर में घुसें, तो अच्छा नहीं है। हम खुद नियंत्रण करें, हम खुद कहें कि भाई हमें बाजार में नहीं घूमना, कोविड को रोकना, क्योंकि कोविड की चेन को तोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि कम से कम लोगों से मिला जाए। वाक दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वाक दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वाक दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स, शेयर करें खूब खेले खूब कमाए। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा। बीमारी कहाँ तक जाएगी, हमें दूर दृष्टि भी रखना होगी। तो एक तो वर्तमान जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास MYM के अंदर अभी 2 फ्लोर खाली है, उस 2 फ्लोर के अंदर पूरे बेड, पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था हम करेंगे। गीता भवन, रमेश जी ने बताया, ESI हॉस्पिटल, वहाँ 200 बेड हो सकते हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सेवा कुंज, बापना मेट्रो हॉस्पिटल, गुरुजी न्यास, ऐसे सब हॉस्पिटल्स के बेड और ऑक्सीजन का पूरा नेटवर्क हमें खड़ा करना है। ये हमने 8 दिन का समय दिया है, हमारे पास 1500 बेड और तैयार हो जाएंगे, जिसमें लगभग 100 ICU के होंगे और। तो ये हमारी भी अभी तैयारी प्रारंभ हो गई। क्या प्रोटोकॉल तय करें, किसको लगना चाहिए, किसको नहीं लगना चाहिए। चाहे जो भी थोड़ा सा बुखार आता है, मेरे को रेमडेसिविर चाहिए, उसको चाहिए, आवश्यकता ही नहीं। जिसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाए सिर्फ उसी को लगाना है। तो अभी आधा पैनिक तो इसलिए हो रहा है कि किसी को भी बुखार आया तो खर्च करता, मेरे को तो रेमडेसिविर चाहिए,
तो इसका एक प्रोटोकॉल है कि जिसका ऑक्सीजन लेवल सिर्फ नीचे जाएगा उसी को देना है, सबको नहीं देना है। कि जो इंजेक्शन है वह बाजार में मिल नहीं रहा है, डॉक्टर लिख देते हैं, बेचारा वो पर्ची लेके घूमता रहता है। तो जब है ही नहीं, इंडिया में नहीं है कहीं, मैं खुद ने सबदूर घूम लिया, सबदूर मेरे जो संबंध है मैंने प्रयास किया, कहीं पर पूरे इंडिया में नहीं है। जिसके पास पुराना स्टॉक था वो भी ख़त्म हो गया, इसके एक्सपायरी डेट, क्योंकि हमारे इंडिया में भी सप्लाई नहीं हुआ, नकली हो सकता है मिल रहे हो तो वो भी, इसलिए टोसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उसका अल्टरनेट ढूंढें। आज बैठक में बात करेंगे वो लोग, डॉक्टर्स की बैठक लेकर उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है जो बाज़ार में उपलब्ध है उसका प्रयोग करें। आने वाले समय में मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण की छूट दी है, अब वो 1 मई से वो भी प्रारंभ होगा। मैं आपके माध्यम से जनता से आग्रह करूँगा कि जिला प्रशासन जनप्रतिनिधि को सहयोग देकर और सब लोग टीकाकरण लगाएं। टीका लगने के बाद जिसको भी कोविड जिसके ऊपर हमला किया है वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ उसको। मुझे लगता है कि इन सब बातों पे विस्तार से चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन से संबंधित थी। हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता पहले 65 टन ऑक्सीजन मेट्रिक टन की आवश्यकता थी, वो बढ़कर अब 100 हो गई है और भविष्य में 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी की, पहले 65 की थी उसकी तैयारी कर ली थी, पर अब पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो 100 तक पहुंच गई है, पर वो 125 तक जाएगी, तो हमने उसकी तैयारी भी कर ली।